अम्बेडकर नगर जिले के टांडा कस्बे में पश्चिम बंगाल के वीर भूमि जिले से चलकर आए राम भक्तों का जोरदार स्वागत सत्कार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से चलकर आए ये युवा झारखंड बिहार को पार कर लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। इस यात्रा में शामिल युवाओं में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले राजमाल ने बताया कि भगवान श्री राम में बचपन से ही उसकी आस्था होने के कारण जब उसे अयोध्या धाम में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी हुई तो वह अपने अन्य दोस्तों के साथ अयोध्या धाम कूच करने की चर्चा की। इस अभियान में उसके दो अन्य दोस्त सुदीप माल और नितेश सहनी भी पश्चिम बंगाल से अयोध्या धाम की यात्रा साइकिल से करने की तैयारी कर भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े और साथ ही उनका प्रयास होगा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में वह सम्मिलित हो सके। को निकले हैं साइकिल यात्रा, हम लोग अभी 850 किलोमीटर सफर मतलब पूरा कर चुके हैं और 60 किलोमीटर बाकी है। रामलला की जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को, इसलिए हम लोग जा रहे हैं मन में आशा लेके कि हम घर से दीपक भी लाए हैं साथ में, वहाँ जलाएंगे और नलाटी वासी का बहुत आशा है कि वहाँ जाए कोई, इसलिए हम लोगों को बोला था कि दोस्त लोगों ने बोला कि जा भाई, हम लोग भी सुने कि चल साइकिल से जाएंगे और तारापीठ नाम के एक वहाँ मंदिर है, नलाटी शरीफ भी एक मंदिर है, वहाँ से पूजा करके हम लोग निकले अयोध्या रवाना दिए है, फिर हम जाके वहाँ दीपक जलाएंगे और रामलला के जन्मभूमि में दर्शन करके जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारी पूरी टीम आज ऐसे नौजवानों का स्वागत करके अपने आप को हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान राम के प्रति इनकी आस्था श्रद्धा और विश्वास आज देखने को मिला, निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसा योग्य कदम है नौजवानों का, तो हम सब आज टांडावासी धन्य हैं।